नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की महारैली की शुरुआत आज हो चुकी है। रैली में शरीक होने के लिए ममता बनर्जी के अलावा डीएमके नेता एमके स्टालिन, एचडी कुमारस्वामी, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 7 दशकों के दौरान हमने मजबूती से क्षेत्रीय दलों का उदय होते हुए देखा, जिन्होंने अपने नेताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विपक्ष की महारैली बुलाई। इस रैली में 22 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीने में इस देश में जो कुछ हुआ उससे सबसे बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र पे खड़ा हो गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। वो चाहते हैं हम मोदी को मुद्दा बनाएं, लेकिन हम मुद्दों को ही मुद्दा बनाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी के बीच विवादास्पद व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। चैट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। इसमें डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर साहिबा बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए कह रही हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी। कांग्रेस ने इस चैट के वायरल होने के बाद फिर से शहडोल जिले की जैतपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर आप दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना चार्जशीट क्यों दाखिल करना चाहते हैं? जब तक दिल्ली सरकार इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत नहीं देती, तब तक वो इस पे संज्ञान नहीं लेगा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने JNU मामले में 14 जनवरी 2018 को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। राफेल मामले में एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सौदे में भारतीय वायु सेना 90 विमान से वंचित करते हुए सरकारी खजाने से दसौ कंपनी को हर विमान पर 186 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया गया। 2015 में 36 जेट लड़ाकू विमानों को लेकर दिए गए ऑर्डर में प्रति विमान 41% अधिक कीमत पर करार किया गया। पी चिदम्बरम की टिप्पणी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर अपना जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की कीमतों की जांच की है। डीएमके ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। डीएमके ने अपनी याचिका में ये भी दावा किया है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और दिल्ली पुलिस ने साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया जा रहा है ISI भारत में दंगे करवाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस और रॉ ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है RSS के कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। इसके लिए वली मोहम्मद को खास तौर से ट्रेनिंग देकर काबुल से भारत भेजा गया है। 21 जनवरी यानी आने वाले सोमवार के दिन अनोखा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण 3.5 घंटे का होगा। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसका असर 15 दिनों तक रहेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा 15% बड़ा होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने नई दिल्ली में पेट्रोल पर 17 पैसे और डीजल पर 19 पैसे की बढ़ोतरी की है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70.72 रुपए प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल 65.16 रुपए की दर से बिक रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की कल स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। ये स्क्रीनिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है, प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति कोविंद ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म मणिकर्णिका देखी। इसके बाद फिल्म की कास्ट और क्रू का सम्मान किया गया। राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। इस दौरान वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।